चीन में अब तक कोरोना वायरस की दूसरी लहर की बात हो रही थी, लेकिन अब चीन के ही एक महामारी विशेषज्ञ ने चौंकाने वाला दावा किया है। क्या है दावा, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का प्रकोप विश्व के लगभग सभी देशों में जारी है। इनमें कई देशों में कोरोना से हो रहे नुकसान कम है तो कई देश तबाही की कगार पर हैं। इनमें कई ताकतवर देश भी हैं जो कोरोना के सामने घुटनों पर आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है और हो भी रहा है। अब तक आई खबरों के मुताबिक चीन इस वायरस से उबर चुका है, लेकिन चीन के ही एक महामारी रोग विशेषज्ञों के मुताबिक चीन में अभी इसका असर कम नहीं हुआ है। ये वायरस इंसानों के साथ लंबे समय तक रहने वाला है। दरअसल अब तक जो खबरें आई थी उनके मुताबिक चीन की तस्वीर उस देश में बनने लगी थी जो इस वायरस से उबरने की तरफ है। धीरे धीरे चीन के प्रमुख बाजार भी खुलने लगे थे, लेकिन अब चीन के ही एक प्रमुख महामारी रोग विशेषज्ञ वू जुनियो ने दावा किया है कोरोना वायरस लंबे समय तक इंसानों के साथ रहेगा और अचानक खत्म नहीं होगा। अभी कोरोना वायरस की पहली लहर ही खत्म नहीं हुई है। कोरोना वायरस हमारे जीने और काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। वैश्विक स्तर पर जनवरी से ही कोरोना महामारी बढ़ रही है और हाई रिस्क बना हुआ है। इस दौरान महामारी रोग विशेषज्ञ वू जुनियो ने बढ़ते मामलों को अमेरिका, ब्राजील और भारत से भी जोड़ दिया है। कहा है कि वे इन देशों में तेजी से बढ़ते मामलों से चिंतित हैं। वहीं इससे पहले WHO प्रमुख ने ये भी कहा था कि वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी में तेजी आ रही है। दरअसल कई विशेषज्ञ चीन में कोरोना की दूसरी लहर की बात कर रहे थे और उसी पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब नए दावों से लगने लगा है कि चीन में अभी पहली लहर खत्म नहीं हुई है, उसी का प्रकोप जारी है। ये रिपोर्ट इस दावे को और भी ज्यादा पुख्ता करने वाली है, जिसमें बताया गया है कि चीन की एंजिन काउंटी में अभी करीब 5 लाख लोगों को वुहान की तरह लॉकडाउन में रखा गया है। वहीं चीन में मंगलवार को ही कोरोना वायरस के 3 नए मामले सामने आए हैं। ये तीनों मामले बीजिंग के हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 83,534 पर पहुँच गयी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।